नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा सरसों के तेल के कुछ उपायों की। सरसों के तेल का उपाय बहुत बार किया जाता है, अलग अलग सिचुएशंस के लिए कराया जाता है। जो सरसों का तेल होता है वो शनि देव से संबंधित है, तो अगर शनि संबंधित कुछ कष्ट आ रहे हैं, शनि संबंधित पीड़ा आ रही है, या शनि देव का कई बार हमें अगर अच्छा शनि के ग्रह का अच्छा फल लेना है, तब भी हम सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आज के वीडियो में 6 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। ये 6 उपाय अलग अलग हेतु के लिए, और बहुत सारे उपाय इनमें ऐसे हैं जो कोई भी कर सकता है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक 2-3 उपाय ऐसे हैं जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस में किए जाते हैं, उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि उस कॉम्बिनेशन अगर आपका पत्री में है तो ही आप ये उपाय करें। सबसे पहले बात करता हूँ कि अगर शनि संबंधित पीड़ा बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि शनि की जो दशा है, जब से शनि की दशा शुरू हुई है तब से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, तो ऐसी स्थिति में, या फिर कई लोगों को ऐसा कह दिया कि शनि की 7.5 चल रही है आपकी, शनि की ढैया चल रही है, या शनि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, इसमें 2 स्पेसिफिक सिचुएशन भी आपसे बात करना चाहूँगा। अगर लगन में शनि देव हो, या खाना नंबर 6 यानी 6th हाउस में शनि हो, और अगर आपको लग रहा है कि अच्छे फल नहीं मिलते, इसके लिए भी उपाय आपसे बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं कि अगर शनि की 7.5 अच्छी नहीं जा रही, शनि के रिजल्ट अच्छे नहीं जा रहे। अब कैसे पता चलेगा कि शनि के रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे? अगर नौकरी में, व्यवसाय में बार बार बाधाएँ आ रही हैं, आप कोई लोहे से संबंधित कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर बाधाएं आ रही हैं आपको, या नौकरी बार बार छूट रही है, नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं शनि संबंधित आपको पीड़ाएं आ रही हैं। या फिर जैसे शनि की 7.5 चल रही है, आप कह रहे हैं कि जब से 7.5 स्टार्ट हुई तब से ही मुझे दिक्कत आ रही है, या 2.5 साल का जिसको ढैया कहते हैं उसमें मेरे को दिक्कत आ रही है, तो ये उपाय किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा उपाय है, रात के समय ये जो उपाय करना है, शनिवार वाले दिन करना है, तो शुक्रवार रात के समय आप एक लोहे की कटोरी ले लीजिए। लोहे की कटोरी के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लीजिए। मैंने पहले भी बता दिया, जो सरसों है वो हम शनि से संबंधित मानते हैं, सरसों का तेल शनि से संबंधित है। तो अब सरसों का तेल आपने लोहे की कटोरी में डाला, लोहे की कटोरी में डालने के बाद आपने अपने बिस्तर के नीचे रख दिया या साइड में रख दीजिए, और शनिवार को सुबह उठकर उसमें अपना चेहरा देखकर जो डकौत आते हैं, यानी जो तेल मांगने वाले आते हैं, या तो आप उनको दे सकते हैं, एक रास्ता। दूसरा रास्ता ये है कि आप इसको जाकर, इसी जो तेल है, इस तेल को आप शनिदेव की शिला पर चढ़ा सकते हैं, शनिदेव के मंदिर में जाकर रख के आ सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। और अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तो लास्ट ऑप्शन ये बनती है, आप इसे पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दें। ये तो हो गई बात जब शनि संबंधित बहुत ज़्यादा ही पीड़ा आ रही है आपको, या लगन में आपके शनि हैं। अब अगर मान लीजिए शनि आपके खाना नंबर 6 में है और आपको शनि संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, खाना नंबर 6 जो हाउस है वो रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है, तो अगर शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो सरसों के तेल की शीशी ले लीजिए। उस सरसों के तेल की शीशी लेकर आप उसको शनिवार वाले दिन जाकर जल प्रवाह कर दें। ये उपाय किया जा सकता है अगर शनि खाना नंबर 6 में। ये स्पेसिफिक हाउस का उपाय है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और जो बाकी जो उपाय बताया वो मैंने जनरल उपाय है। अगर मान लीजिए शनि संबंधित कष्ट आ रहे हैं तो छायादान बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है। इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि छायादान का क्या क्या महत्व है, किस तरह से उससे उपाय किया जाता है। ये हो गई पहले उपाय की बात। अब दूसरा उपाय, अब मान लीजिए आप लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, या आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय या नौकरी तब तक नहीं चलेगी जब तक शनि, राहु, केतु जो पापी ग्रह माने जाते हैं उनकी कहीं ना कहीं आपके पास ब्लेसिंग्स होंगी, तभी नौकरी व्यापार चलेगा। तो अगर शनि संबंधित पीड़ाएं बहुत आ रही हैं, मजदूर आपके यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो भी बहुत जल्दी छोड़ जाते हैं, कोई ना कोई पैसा लेके चले गए, मतलब कहीं ना कहीं आपका काम अटका रहता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप काले चने सरसों के तेल में डालकर, काले चने आप बनाइए
और वो शनिवार वाले दिन, ये बनाना आप शुक्रवार को भी रात को भी कर सकते हैं, शुक्रवार वाले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन बांटना जो है वो शनिवार वाले दिन बांटना है। और ये जो कार्य है ये आपको 8 शनिवार लगातार करना है विदाउट एनी ब्रेक। शनिवार से प्रारंभ करेंगे, चतुर्थी नवमी चौदस नहीं होनी चाहिए, 8 हफ्ते लगातार आप ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे जो शनि संबंधित कष्ट आ रहे थे, आपके व्यवसाय में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो व्यवसाय में प्रॉब्लम्स आनी बंद हो गई आपकी। तो ये दूसरा उपाय आपका किया जा सकता है। तीसरा उपाय जो बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नज़र बहुत लगती है, टोक बहुत लगती है, वो कहते हैं कि काम शुरू किया नहीं कि आसपास के दुश्मन तैयार बैठे हैं, उन्होंने ये कह दिया यार तुम तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आपने कहा अभी काम मैंने शुरू नहीं किया, आप लोगों ने पहले नज़र लगा दी। और इस तरह से आप देखते हैं कि कई बार आपने नया कार्य शुरू किया, जलने वाले इतने ज़्यादा हैं, और आप दोस्तों आप ये बात समझते हैं बहुत अच्छे से, आज की डेट में जरा सा आप ग्रो करने लगो बहुत सारे लोग आपको नीचे गिराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो टोक लगना, नज़र लगना, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो एक उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें करना क्या है, ब्लैक कलर का सूती धागा ले लीजिए। सूती धागा लेने के बाद उसको यहाँ से लेकर, अपने सिर से लेकर पैर तक एक बार मेजर कर लीजिए। मेजर करने के बाद उसको 7 बार, यानी वो 7 टाइम्स, यानी जितना आपने एक बार मेजर किया इंटू 7 टाइम्स, यानी 7 बार उसे लपेट लीजिए। अब लपेटने के बाद ये धागा हो गया, अब किसी लोहे की कटोरी में या पीतल की कटोरी में आप इस धागे को डालिए, इसके ऊपर सरसों का तेल डालिए, हल्की सी बाती निकाल लीजिए और इसको जला दीजिए। जो इसकी राख होगी, जो इसमें थोड़ी बहुत भी राख बच जाए, वो राख ये आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ के आ सकते हैं। अब ये करना कब है, सबसे बेटर, सबसे बेस्ट डे रहेगा सैटरडे वाले दिन, ये उपाय आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो नज़र लग रही थी, और ये आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं, यानी आप एक महीने में एक बार कर लीजिए, जब आपको लगता है कि आपने कोई नया काम शुरू किया, टोक लगनी लगनी है, नज़र लगनी लगनी है, तो साथ के साथ ही आपने इस कार्य को करना शुरू किया। अब ये जो मेजर करेंगे, ये उसकी मेजर करेंगे जिसके नाम से आप काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके नाम से काम हो रहा है तो आप अपने हिसाब से करेंगे, और अगर मान लीजिए आप अपनी वाइफ के नाम पर वो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं हम अपने नाम पे नहीं कर रहे, वाइफ के नाम पे कर रहे हैं, तो ये जो कार्य है वाइफ के लिए किया जाएगा। वाइफ के हाइट के हिसाब से, मतलब सिर से लेकर पैर तक आप मेजर करेंगे, फिर करेंगे, उपाय समझ के करिएगा। दोस्तों बहुत सारे उपाय बहुत जगह पर मिल जाते हैं, यूट्यूब पे भरमार है उपायों की, लेकिन सही से समझना उपाय को और उसको सही से करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर होगा यही कि आप करते रहेंगे उपाय, रिजल्ट आएंगे नहीं, और इस चक्कर में एस्ट्रोलॉजी और बदनाम हो जाती है कि रिजल्ट तो आते नहीं, हमने बड़े सारे टोटके कर लिए। तो ये उपाय आपको बहुत लाभ करेगा। अब एक उपाय और शेयर कर रहा हूँ, ये उपाय स्पेसिफिक हाउसेस के लिए। दोस्तों मैं इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बात करी थी कि सरसों के तेल को मिट्टी पे, कच्ची मिट्टी पे गिराने का उपाय। अब ये उपाय के बारे में लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि हर केस के अंदर आप ये उपाय कर सकते हैं, शनि और शुक्र को मिला दो। सबसे बड़ी गलती यही होती है दोस्तों कि आप बिना सोचे समझे उपाय कर लें, कुछ भी उपाय, क्योंकि ये फ्री का उपाय है। इसके लिए करना ये होता है, पहले उपाय को समझ लीजिए। सरसों का तेल लेना है सूर्योदय के समय, वो सरसों का तेल लेकर एक छोटे से ढक्कन में डालिए और वो ढक्कन आप कच्ची मिट्टी पर गिरा देंगे, और इससे शनि और शुक्र का मेल होता है, क्योंकि जो कच्ची मिट्टी होती है वो शुक्र से संबंधित है और जो सरसों का तेल है वो शनि से संबंधित है, तो शनि और शुक्र का मेल हो गया तो उच्च केतु का निर्माण होता है, ये ज्ञानी जन हमारे बताते हैं। लेकिन दोस्तों ये हर केस में उपाय नहीं किया जाता, मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में बात करी है, आज शॉर्ट में बस बता रहा हूँ आपको। अगर शनि खाना नंबर 5 में हो या शनि खाना नंबर 11 में हो और औलाद संबंधी कष्ट आ रहे हैं आपको, तो उस केस में ये उपाय को कराया जाता है। हालांकि कुछ और सिचुएशंस भी हैं, मैं सारी डिटेल में, ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप वो चाहें तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम डाल देगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उस वीडियो में डिटेल में बात करिए किस किस केसेस में किया जाता है। अभी मुद्दे की बात यह है कि अगर मान लीजिए आपको औलाद संबंधित दिक्कतें आ रही हों या फिर कमर से नीचे के रोग हो रहे हों, तो आप सैटर्न 5 में हो या 11 में हो तो ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो मिनिमम 27 दिन आप इसे कंटिन्यू करेंगे या 43 डेज करें तो बढ़िया है। करेंगे कब से शुरू, सैटरडे से शुरू करेंगे, सूर्योदय के समय आप कच्ची मिट्टी पे सरसों के तेल की कुछ बूंदें गिराएंगे,
केतु उच्च के रिजल्ट दे देता है, यानी औलाद संबंधी जो दिक्कतें आ रही है, चाहे प्रोजिनी होने में दिक्कत है, चाहे आपकी औलाद से आपके रिलेशंस में दिक्कत आ रही है, दोनों केसेस में किया जाता है। बाकी अगर आपकी कुंडली देखकर वो चीज़ बताई जाए कि और किन हाउसेज में किया जा सकता है, तो वो और बेटर रिजल्ट देता है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन इन जनरल अगर औलाद संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, सैटर्न खाना नंबर 5 में है या खाना नंबर 11 में है, तो ये उपाय किया जा सकता है। अब दोस्तों इसमें एक उपाय मैं आपके साथ और बात करता हूँ, ये उन सिचुएशंस में किया जा सकता है जहाँ आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, चाहे वो आँखों से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, घुटनों से संबंधित बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या कोई ऐसे और कष्ट आ रहे हैं जिसमें आपको ये पता भी नहीं चल पा रहा कि किस वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इन एनी केस आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा डिटेरिएशन आ रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर एक सरसों के तेल की शीशी ले लीजिए, कितनी भी, उसकी क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, उसको अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। और इसमें दो रास्ते हैं आपके पास, या तो जो डकौत आते हैं उनको वो शीशी दे दीजिए, जो तेल मांगने वाले आते हैं वहाँ पर दे सकते हैं, या दूसरा रास्ता ये है कि ये वाली तेल की शीशी किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दें। ये जब 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप अपने से घुमाएंगे, तो आप ये फील करेंगे कि आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, किसी की नज़र लगी हो या कोई और किसी ने कुछ टोक दिया हो, वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाए और फिर आप ये पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उपाय है, इसको भी करके देखा जा सकता है। अब आखिरी में मैं एक उपाय स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपका सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है आपकी पत्रिका के अंदर, या राहु है 11th हाउस में, उन दो सिचुएशंस में ये उपाय रिकमेंड किया जाता है। हालांकि एक सिचुएशन और है जिसमें ये उपाय रिकमेंड किया जाता है कि अगर राहु संबंधित कष्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अचानक लॉसेस हो जाना, राहु के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अचानक कुछ भी हो जाना, अचानक बहुत सारे लॉसेस हो जाना, अचानक समझ ना आना, कोई डिजीज़ हो जाना, अगर ऐसी दिक्कत भी आ रही है तब भी ये इस उपाय को किया जा सकता है। बहुत सिंपल उपाय है। इसके लिए करना क्या है, आपको रोटी बनानी है। रोटी किस तरह से बनानी है, आप 2 पेड़े बना लेंगे। ये 2 पेड़े आपने बना लिए अलग अलग, आपने अच्छे से उसको बेल लिया, और उसको बेलने के बाद आप उसके ऊपर ऑयल लगा दीजिए। अब इधर और इधर दोनों तरफ ऑयल लगा हुआ है, अब इन दोनों को आप जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद जो 2 बची हुई साइड थी, क्योंकि अंदर की साइड से तो सरसों का तेल लग गया, 2 बची हुई साइड थी, उसको हल्का हल्का आप तवे पे सेक लेंगे। ये रोटी तैयार हो गई। अब इस रोटी के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल फिर से लगाइए, और फिर किसी भी काले कुत्ते को ये रोटी खाने के लिए दे दीजिए। आपने रोटी देनी है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कभी हमने रोटी डाली तो उस डॉग ने खाई नहीं। दोस्तों बहुत टाइम से आप बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करके ला रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार उपाय करें, दूसरी बार उपाय करें तो आपके प्लेनेट आपको अच्छा रिजल्ट ही दे दें। ये बात समझ के चलिएगा, अगर आपके प्लेनेट ने आपको बुरा फल देना है तो वो भी तो अपनी तरफ से ट्राई करेगा। तो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। आप इस उपाय को, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, 1 दिन करें, 2 दिन करें, 5 दिन करें, महीने में 4 बार करें, 5 बार करें, जब भी आपको मौका मिले आप दें। ज़रूर ऐसा होगा, हो सकता है कई बार क्या डॉग उस टाइम पे रोटी ना खाए, थोड़ी देर बाद आकर वापस आकर वो रोटी खा लेगा, और नहीं भी खाता तो आपने अपना कर्म कर लिया। आप विश्वास रख के करेंगे तो उस उपाय का ज़्यादा फायदा मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें खासकर जब राहु खराब होता है तो वहम उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो हर चीज़ में वहम करते हैं कि ये कर दिया तो ऐसे हो जाएगा, ये कर दिया तो ऐसे हो जाएगा, और इसी बातों में सोचते सोचते वो कोई भी उपाय नहीं कर पाते। और अगर उपाय उन्होंने गलती से कर भी लिया तो गारंटी की बात है उनको फ़ायदा नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए कि हाँ भाई हम एक रोटी तो खिला रहे हैं, अगर मान लीजिए नहीं खाया तो कोई और जानवर खा लेगा। आप ऐसी जगह डाल सकते हैं कि जहाँ पर हो सके, अगर मान लो डॉग नहीं खा के जाता, कल को कोई बर्ड्स आते हो वहाँ पर वो खा लें। उपाय करते हुए हमेशा पॉजिटिविटी रखें, यही की है, इट इज़ द की टू सीक्रेट हैप्पीनेस, कि आप उपाय करते हुए पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचना ही, जहाँ आपने पॉजिटिव सोचना शुरू किया दोस्तों, तो वहाँ पर राहु आपका पॉजिटिव होने लगा, राहु आपका ठीक होने लगा, तो फिर नेगेटिव विचार भी अपने आप ही टूट जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे आपको आती रहेगी। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या जो नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए 10 से 7 बजे के बीच में आप ड्रॉप कर दीजिए, नेक्स्ट डे यूजुअली हमारी टीम से रिस्पॉन्स आ ही जाता है। धन्यवाद दोस्तों।